नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। फ्रेंड्स, हमने करीब डेढ़ महीने पहले ये चार कटिंग्स लगाई थी गुलाब की। अब हम आपको इन्हें निकाल के दिखाएंगे कि इनमें रूट्स बनी हैं या नहीं बनी हैं। इनमें पत्ते तो अच्छी तरह से निकल आए हैं, लेकिन रूट्स का हम निकालने के बाद ही पता चलेगा हमें कि इनमें रूट्स बनी हैं या नहीं बनी है। हमें ना फ्रेंड्स कभी भी एक कटिंग नहीं लगानी चाहिए, कम से कम हमें चार या पांच कटिंग लगानी चाहिए। ये देखिए, हमने चार कटिंग लगाई है इस वाले पॉट में, लेकिन हमारी इसमें से तीन ही कटिंग चली है। एक कटिंग तो लगता है हमारी सूख गई। अब हम आपको इन्हें निकाल के दिखाते हैं कि इनमें से हमारी कितनी जो है कटिंग्स में रूट्स बनी हैं, और हम इनको आज रिपोर्ट भी करेंगे। कटिंग्स को हमें फ्रेंड्स पहले निकालना है गमले से धीरे से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी है। अब देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी रूट्स बनी है हमारी कटिंग में। अब हम आपको दूसरी वाली कटिंग भी निकाल के दिखाएंगे। हम केवल इन दो कटिंग्स को ही निकालेंगे, क्योंकि ये जो है ना हमारी दो कटिंग अच्छी तरह से नहीं चली है। ये तो बिल्कुल सूखी सी लग रही है, और ये भी कम चली है, इसलिए आज हम ये दो कटिंग ही रिपोर्ट करेंगे। ये दूसरी कटिंग भी फ्रेंड्स हमारी बहुत अच्छी तरह से चल चुकी है, इसमें काफ़ी अच्छी रूट्स बन चुकी है। देख सकते हैं आप इसमें दोनों में ही कितनी बढ़िया रूट्स बनी है। अभी हम आपको इन्हें धो के दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आपको इन्हें धो के दिखाते हैं। ये देखिए इनमें कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी है। अब हम इनको रिपोर्ट करने वाले हैं इस मिट्टी के गमले में। ये हमारे पास एक बड़ा गमला है मिट्टी का, 12 इंच का। अब हम इन दोनों को इस एक ही गमले में रिपोर्ट करेंगे, ये क्योंकि ये काफ़ी बड़ा गमला है। हमें इसमें जो ये ड्रेनेज होल है इसमें लगानी है हमें इस तरह की, ये ठीकरी, ये देखिए हमें ऐसे लगानी है, ऐसे नहीं लगानी है। इस तरह से हम लगा, अगर हम ऐसे लगाएंगे इसको तो ये जो हमारा ड्रेनेज होल है ना, ये बंद हो जाएगा और एक्स्ट्रा पानी इसमें से नहीं निकल पाएगा। इसलिए हमें ये ठीकरी इस तरह से लगानी है, ऐसे, जिससे कि हमारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और हमारी खाद वाली मिट्टी पॉट में ही रहे। हम आपको ये कलम जो है कटिंग्स हमारी लगा के दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हम इन कटिंग्स को लगाएंगे इस वाले गमले में। ये देखिए, हमें ये कम 1.5 से 2 इंच नीचे दाबनी है ये कटिंग इस तरह से। दूसरी भी हम इसी गमले में लगाएंगे इस तरह से। ये जो पोटिंग मीडिया हमने लिया है, इसमें है हमारा एक पार्ट तो है हमारा गार्डन की सॉइल, और एक पार्ट है हमारा खाद, गोबर की खाद, और थोड़ा सा हमने डाला है इसमें 1 चम्मच नीम खली डाली है, थोड़ा सा डाला है हमने इसमें फंजीसाइड पाउडर। इस मीडिया में हमने इसको लगाया है, ये बहुत ही अच्छा मीडिया है। अब इसमें हमें डालना है पानी। अब ये देखिए हमारा जो ये जो रोज़ की कटिंग है ये हो गई है लग के तैयार। अब हम इसको रखेंगे 1 हफ्ते के लिए शेडी एरिया में। फिर इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावरिंग होगी गुलाब की। तो इसके साथ ही नमस्ते जी, धन्यवाद।